हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और मैं आज आई हूँ कुतुब मीनार देखने के लिए, घूमने के लिए। परसों से आज संडे था तो सोचा चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो आज हम लोग घर से निकले हैं तो कुतुब मीनार आए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़, टिकट की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी कि मत पूछिए। मतलब मुझे नहीं लगता टिकट मिलेगा, लेकिन मैंने उसे भेजा है टिकट लेने के लिए कि किसी तरीके से किसी जैन से रिक्वेस्ट करके आए कि कोई ले ले जो आगे में है वो दे दे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुतुब मीनार का जो फेयर है वो 40 रुपये पर पर्सन है और फॉरेन लोगों के लिए 600 पर पर्सन। तो हम लोग ऑब्वियसली इंडियन हैं तो 40 रुपये पर पर्सन, और अगर आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 35 पर पर्सन है। तो अभी देखते हैं टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, भूख भी लग गई है और आने में सर अलग दुख रहा है। सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा है, इतनी ज़्यादा भीड़ देख करके ना और ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। यहाँ पर देखिए टिकट की कितनी ज़्यादा, कम से कम हज़ारों लोग लाइन में खड़े होंगे और टिकट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे के आसपास की ये भीड़ है, सोचिए। और शाम तक ऐसी ही भीड़ कांस्टेंट थी और हम लोगों को भूख भी लग गई थी क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने बहुत लाइट करके चला था। तो फिर हम लोग ये खाए हल्का सा, और उसके क्योंकि अंदर कुछ भी खाने पीने कि वो नहीं है तो हमने सोचा उतरने के बाद। और यहाँ पर भी देखिए टिकट लेने के बाद भी यहाँ अंदर घुसने के लिए इतनी ज़्यादा लाइन थी, और हमें लाइन में लगने के बाद जब यहाँ पे चेकिंग हो रही थी फिर हम लोगों को पता चला कि अरे यार ऑनलाइन भी टिकट बुक होती है। तो अच्छा होता पहले से पता होता तो हम लोग ऑनलाइन बुक करके फिर सिर्फ आकर के लाइन में लगते और अंदर चले जाते, लेकिन हम लोगों को टिकट के लिए भी वेट करना पड़ा और उसके बाद यहाँ भी। तो यहाँ पर गार्ड भैया ने बताया ऑनलाइन भी बुक होती है और 15 साल से बच्चों का टिकट फ्री है। 15 साल के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट घुस सकते हैं, मैं आपको बताना भूल गई थी। और ये मिला है 40 रुपीज़ का, जो टिकट मैंने लिया था वो ये मिला है, एक एक कॉइन। ये हम लोगों को अभी लेकर के अंदर एंट्री करनी है, वहाँ पर शायद एक्सचेंज करके दूसरा देते हैं। ये डालते हैं फिर गेट आगे घूमता है तो फिर हम लोग निकलते हैं, फिर ये कॉइन वो दे देते हैं। उसके बाद फिर निकलने टाइम में फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे संभाल कर रखना होता है। और बच्चों को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन 15 साल से कम के होने चाहिए, उससे ज़्यादा के नहीं, अदरवाइज उनकी टिकट आपको लगेगी। तो यहाँ पर चेकिंग हो रही थी सारी कुछ की, और बैग में अगर आपके खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पर निकाला जा रहा था क्योंकि अंदर खाना अलाउ नहीं है, इसलिए सबके बैगों से खाना पीना निकाला जा रहा था। तो चलिए फाइनली हम कुतुब मीनार के अंदर घुस चुके हैं, उसके परिसर में आ चुके हैं और सबसे पहला जो हमें देखने को मिला वह है मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय। तो चलिए मुग़ल बगीचा चलते हैं सबसे पहले। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, घुसते के साथ मुझे ये दिखा कुतुब मीनार दूर से ही, तो वो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया। और अब चलते हैं मुग़ल बगीचा की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही होंगी जब ये लाइव होंगी, अभी बहुत कुछ इसमें नहीं है। देखिए मुग़ल बगीचा का डिटेल्स दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ जैसा लिखा है कुछ देखने को नहीं मिला। क्योंकि चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मुग़ल बगीचा में क्या है। तो रास्ता इधर से ही है, इसके अंदर ये देखिए ये है मुग़ल बगीचे का हाल, जहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही बंजर पड़ा था और सिर्फ कूड़े ही थे। तो उधर से हम लोग वापस आ गए मुग़ल बगीचे से, अब चलते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मुग़ल बगीचा, और यहाँ पर कई सारे ऐसे बगीचे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मुग़ल मस्जिद। तो ये है मुग़ल कालीन मस्जिद जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले इसके बारे में जो डिटेल्स लिखी हुई है वो आप देख लें, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मुग़ल मस्जिद। तो चलिए अब रुख करते हैं मुग़ल मस्जिद की तरफ। तो जस्ट इसके सामने ही है, यहीं पर है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा गुम्बद जैसा, तो यही है मुग़ल मस्जिद। मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ दरवाजे की तरफ से, इसमें 2 दरवाजे हैं, एक इधर से एक इसके जस्ट ऑपोजिट साइड से हैं। तो मैं इधर से आपको दिखा रही हूँ मस्जिद में अभी कुछ लोग थे, यानी कि मस्जिद अभी खुला हुआ है। ये देखिए ये है मुग़ल मस्जिद, मैं अंदर नहीं गई, मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। बाकी और आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ जो आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ। आपको दिख रहा होगा सामने कुतुब मीनार, तो हम लोगों को वहाँ तक अभी जाना है। बहुत बड़े एरिए में ये फैला हुआ है, इसमें कई और चीज़ें भी हैं जो देखने लायक हैं, जिसमें से
अलाई दरवाजा है, कुबतुल इस्लाम है, मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन के मकबरे हैं, अलाई मीनार है, लोहे का स्तंभ है और मदरसा है। तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, इस एरिया में, इस कैंपस में। तो घूमने में हमें 3 घंटे लग गए। तो चलिए मैं बोलती रहूँगी ना, तो फिर आप लोगों का ध्यान मेरे बातों के ऊपर होगा और आप लोग घूम नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। तो आप लोग देखो और मैं अब चुप रहती हूँ, आप लोग देख के फिर मैं आऊँगी।
यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मतलब स्पेस हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सा स्पेस है। यहाँ पर ढलान है तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहे थे। तो कान्हा ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला और हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ बैठे भी रहे थे, कम से कम एटलीस्ट आधे घंटा 45 मिनट हम लोग यहाँ आराम से बैठे। सब लोग बैठे थे तो हम लोग भी बैठ गए और देख रहे थे यहाँ से कुतुब मीनार को कितनी ऊँची है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से आगे ये जो देख रहे हैं यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस साइड जेल था और ये जो हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनवाने का फैसला किया था, वो उससे भी ऊंची मीनार बनवा रहे थे। तो ये काम चल ही रहा था तब तक उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मीनार जहाँ पर काम चल रही थी वहीं तक रुक गई, उससे आगे नहीं बन पाई थी। तो ये रहा वो सामने जो मीनार है, अलाई मीनार इसी को कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जा रहा था लेकिन उनकी मृत्यु के बाद रुक गया। तो जस्ट कुतुब मीनार के सामने है। पूरे 3 घंटे घूमने के बाद अब हम लोग वापस निकले हैं घर की तरफ, सोच रहे हैं घर जाना है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। और भूख काफ़ी तेज़ लगी है, शाम हो गई है, 4 बज गए हैं और सुबह से कुछ खाया है, हल्का फुल्का सा खाया है तो उससे भूख कहाँ बैठती है। अभी भी वही कुछ हल्का फुल्का सा ले रहे हैं, तो बस भूख को थोड़ा कम करना है, ख़त्म नहीं करना है। इन सब चीज़ों से वैसे भी भूख ख़त्म नहीं होती, तो हम लोग हल्का फुल्का से लेके यहाँ से निकल लेंगे। और देखिए यहाँ पे जाम का नज़ारा, दिल्ली में ऐसी जाम, तो जो रास्ता आपको 10 मिनट में पहुँचा देगी वो आपको आधे घंटे लगा देती है। तो इस तरह से हम लोग जाम में काफ़ी देर तक रुके रहे थे और उसके बाद रास्ता मिला था। सो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मॉल जाते हैं, तो हम लोग मॉल जाएंगे अभी। Thank you.
मॉल के बाहर ही हम लोग ने मेट्रो वगैरह क्रॉस करके फिर यहाँ मॉल पहुँचे, और मॉल के बाहर यहाँ पे दही भल्ले बहुत अच्छे मिल रहे थे, टेस्टी दही भल्ले। तो हम लोगों ने दही भल्ले सबसे पहले खाए, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही मतलब आपको देखने से ही पता चल जाएगा बहुत ज़्यादा यम लग रहे थे। और हम लोगों ने बहुत मज़े से खाए, आधा पेट तो इससे भर ही गया, बहुत बड़े बड़े भल्ले थे। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए मॉल, मॉल में हम लोगों ने लिया तो कुछ नहीं, बस घूम लिया ऐसे ही। और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए बर्गर किंग, है ना खान, हम लोग बर्गर किंग पहुंचे और उसके बाद हम लोगों ने बर्गर खाया। एक्चुअली काना को बहुत ज़्यादा बर्गर पसंद है, तो इसलिए यहाँ का बर्गर उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो जहाँ भी हमें बर्गर किंग दिखता है तो हम लोग ज़रूर चले जाते हैं और इसको एक बर्गर ज़रूर खिला देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें दिख गया बर्गर किंग और हम लोग फिर यहाँ पर आ गए बर्गर खाने के लिए, और इसके साथ साथ हम लोग भी खा लेते हैं। तो हाँ, क्या लेकर आ रहे हो काना? खाना। हाँ तो तुम क्यों नहीं लेके ले लो। अरे इसी में काना, पूरा नहीं पियोगे तुमको सर्दी है, ठीक है? बोलू मौसी को दो पीने के लिए, ठीक है? नहीं काना, हम तुमको इसलिए नहीं, बेटा पापा देख लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है पापा देख लेंगे। बेटा आपको सर्दी है, ऐसे आपको नहीं मना है ना, आपको सर्दी है ना बेटा, आपके लिए देखो, आपके लिए देखो सर्दी है, देखो आपके लिए फ्रेंच फ्राई मंगाए है ना, फिर ठीक है तो गोलू मौसी पिएगी, आप भी पियोगे, ठीक है? नहीं गलत बात बेटा, ऐसे नहीं, नहीं बेटा जो बड़े हैं वो ज्यादा पीते हैं, ठीक है? अभी हो चुका है शाम का 7 बजे का टाइम हो रहा है, 7:07 हो रहा है, और अभी हम लोग आए हैं बर्गर किंग क्योंकि कुतुब मीनार में घूमते घूमते इतना ज़्यादा लेट हो गए कि बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई, और फिर उसके बाद मतलब हम लोग को इतना टाइम नहीं बचा कि हम लोग कहीं और घूम सकते थे। सो इसलिए हम लोग आ गए काना को बर्गर, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बर्गर खिलाने के लिए आ गए हम लोग बर्गर किंग, और यहाँ से वो बर्गर खाएगा, हम लोग भी बर्गर खाएंगे, और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और कुतुब मीनार में घूमते घूमते कैसे 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं। हम लोग सोच करके आए थे एक्चुअली कि हम लोग ना कुतुब मीनार जाएंगे और लाल किला भी घूमेंगे, इंडिया गेट भी जाएंगे, अच्छे से कहाँ कहाँ नहीं सोच करके घर से निकले थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। एक्चुअली मेट्रो से थे लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, और उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो नेक्स्ट सैटरडे संडे देखा जाएगा क्या होता है, बट आज फिलहाल चलते हैं घर। और काना बहुत ज़्यादा थक जाता है, एक्चुअली बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इस वीडियो को करना चाहती हूँ एंड, चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इजाज़त दें कि इस वीडियो को एंड करूँ, और मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अच्छे ऐसे ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिएगा, और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार। तो चलो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखना, और बस और क्या, बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।